हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो व्यूअर्स, आज हम आपको इस प्लान के बारे में पूरा डिटेल जानकारी देना चाहते हैं। प्लॉट का साइज 30x40 फुट में बना हुआ है। तो उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को ऑसम हाउस प्लान्स। और आपको इसी तरह से और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जानकारियाँ हमारे इस चैनल पर मिलते रहेंगे। बहुत कुछ हेल्पफुल हो सकता है हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को, तो सपोर्ट जरूर करते रहेगा। एक न एक दिन आपको और इसी तरह से बेस्ट बेहतरीन से बेहतरीन प्लान्स डिज़ाइंस देने की हम कोशिश कर देंगे। हेल्प मी टू रीच 1 लाख सब्सक्राइबर्स ऑन ऑसम हाउस प्लान्स। एंड वेबसाइट भी है, वहाँ पर एक बार आप चेक कर लीजिएगा, awesomehouseplans.com। गूगल में आप सर्च कर लीजिएगा, जैसे ये नाम देखते www.awesomehouseplans.com आप सर्च कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह का एक सिंपल सा प्लान है, 30x40 में तो पूरा कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। एंड दो टाइप के प्लान है, यहाँ पर एक प्लान और स्टार्टिंग में, तो टाइप नंबर 5 कुछ है। ओके, अगर आपके पास भी कोई प्लान्स है तो आप सेंड कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पर। व्हाट्सअप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, या फिर आप टाइप सेव करके सेंड कर सकते हैं 8095615113। यह हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8095615113, इस पर आप सेंड कर सकते हैं। तो देखिएगा, ये इस प्लान के बारे में मैं फर्स्ट डिटेल जानकारी देना चाहता हूँ। रोड से आप एंटर हो गए, रोड का साइज़ है, रोड से एंटर हो गए तो ये अंदर घर के अंदर जाते हैं। तो 5 फीट 8 इंच तक है करीब, तो 6 फीट में जो स्टेयरकेस मिल जाएगा इंक्लूडिंग कंपाउंड वॉल है। तो उसके बाद नेक्स्ट आप एंटर होते हैं घर के अंदर। एंट्रेंस इस तरह से दिया गया कि नॉर्थ फेस इसका मेन एंट्रेंस दिया, वेस्ट फेस है तो भी इसको मेन एंट्रेंस जो है नॉर्थ फेस दिया गया। तो रोड से एंटर होके पार्किंग एरिया थोड़ा सा कम जगह दिया गया, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ये पार्किंग एरिया। पार्किंग के बाद एंटर हो गए आप फर्स्ट फ्लोर में, मतलब लिविंग एरिया। नॉर्थ फेस इसका मेन एंट्रेंस दिया गया है, नॉर्थ फेस। ओके, नॉर्थ फेस के बाद नेक्स्ट यहाँ पर लिविंग एरिया आप देख सकते हैं। तो सामने, घर के सामने जो है सिर्फ 3 फुट का ही जगह है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, बिकॉज़ एकदम कम जगह है तो कुछ हैवी मटेरियल रहा तो वो टर्निंग में थोड़ा सा दिक्कत होने का चांसेस रहता है। और 12 फीट इंटू 12 फीट का एक लिविंग एरिया दिया गया। फिर देखिएगा, यहाँ पर एक बेडरूम लिया गया एट दी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर। सिंगल रूम है 11x10 फीट में, और साउथ ईस्ट कॉर्नर पर अकॉर्डिंग टू वास्तु के हिसाब से बना है। किचन दिया गया 13x7 फीट में। एंड ये इसके किचन के पीछे यूटिलिटी के लिए जगह दिया गया, एक अच्छा बेस्ट आइडिया है। कभी भी आप यूटिलिटी कंपलसरी दीजिएगा, बिकॉज यूटिलिटी दिए तो आपको ही कन्वीनियंट और इजी रहेगा, कुछ मटेरियल्स या फिर कोई सामान रहा तो आप उसे क्लीन कर सकते हैं इजीली। तो यूटिलिटी है 15 फीट 2 इंच 3 फीट 6 इंच का यूटिलिटी दिया गया। यहाँ पर एक किचन 13x7 फीट में किचन बनेगा। फिर देखिए, ज़रा आगे आ गए तो यहाँ पर एक टॉयलेट एंड बाथ है, दरवाज़ा नंबर 2 7x4 फीट में टॉयलेट एंड बाथ। और यहाँ पर आ गए तो इधर एक मास्टर बेडरूम, बेडरूम विथ अटैच टॉयलेट एंड बाथ, जिसका साइज़ है 10 फीट इंटू 12 फीट 6 इंच का। तो ओवरऑल इस तरह से दिखेगा। एंड इसका अगला भाग मैं जो है सेकेंड वीडियो में अपलोड कर दूँगा। अभी बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो देखिएगा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लगभग हो जाएगा अराउंड ग्राउंड फ्लोर के लिए 12 से 15 लाख रुपए चाहिए। डिपेंड करता है, कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं, सब कुछ डिपेंड करेगा आपका टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड रहता है, या फिर आप जो मटेरियल यूज़ करते हैं उस पर टोटल डिपेंड रहेगा। तो इसी तरह से इन फ्यूचर में और आपको कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानकारियाँ चाहिए तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके जो है शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम पर। एंड इसी तरह से इस चैनल का और बेहतरीन से बेहतरीन हम देने की कोशिश कर देंगे। तो फुल व्यू में इस तरह से दिखेगा, आप देख लीजिएगा ग्राउंड फ्लोर का प्लान। फुल व्यू इस तरह से दिखेगा, इसमें जो है यहाँ पर एक पूजर बेडरूम, किचन, यूटिलिटी, यहाँ पर बेडरूम, लिविंग एरिया, या पार्किंग सर्विस। पार्किंग भी सफिशियंट है 15x9x14 फीट में। ये आपका स्टेयरकेस यहाँ से अप और इस तरह से एंटर, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया गया है। तो फिलहाल देखिए, इस वीडियो में बस इतना। एंड पीछे भी ऑफसेट के लिए काफ़ी सफिशियंट है, यहाँ पर भी ऑफसेट दिया गया 2 फीट का, यहाँ पर 3 फुट का। थैंक यू।